सबसे बड़ी जरूरत यह है कि आपकी अजमत को हमें तराशना है। एक दो कतात हमद और नात के हम पढ़े हुए और इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि दुनिया को बता दें कि जब कोई पाक साफ मुसलमान हमद या नात पढ़ता है तो सिवाय दिल की धड़कनों के अगर सर के ऊपर शमशीर भी गिरती है तो वो हिलता नहीं है। बैठिए आप। वो जो खालिक है शान वाला है, ज़ेब देती है किबरिया जिसे जो बड़ी रहम बान वाला है। अरे सराइए, मैं हिंदू होकर के गैर मुस्लिमों के नाथ पढ़ रहा हूँ, सुनिया। हम्द के शेर गुन गुनाऊं मैं, बंदगी के मजे उठाऊं मैं। अरे की बात है कि सर अपना रख के सजदे में भूल जा। सागर भाई, आस एहसान के दाय रे में हूँ, नूरे यज़दान के दाय रे इश्के सरकार के वसीले से मैं भी ईमान के दाय। रोशनी के अमीन हैं आका, रूहे माहे मुबीन हैं आका। सिर्फ एक काम के नहीं हैं वो रहमते आलमी। अरे जिन्होंने शिकम पे पत्थर बांध के दुनिया को रास्ता दिखाया है, कहाँ हम आप मरे जा रहे हैं एक माइक के लिए या पुलिस प्रशासन का उनका अपना कानून है। आइए आपको जगाने के लिए ये कथा आपको पढ़ रहे हैं। ये अभी मैं सऊदी गया था तो 12 अखबारात में अगले दिन आया था और अगर समझ में आ जाएगा तो मेरा आना यहाँ पे उसके लिए खासतौर से। यूं तो मकबूल हुए हैं कई गौहर पत्थर, हाँ हाँ, मगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चश्मा है, दूसरा है आका ने बांधा जो वापस हम अगर हामिले हुर्मत हैं दो पत्थर पत्थर। एक तो काबा की दीवार पे जो चस्पा है, दूसरा आका ने बांधा जो शिकम पर। ये तो सच है कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं, ये भी सच है कि मेरे दिल से अजान। अरे ये शरफ मेरे लिए अल्लाह का इनाम है। लोग कहते हैं मुझे सागर हुसैनी, एक शाहकार दी का तसव्वुर ही बहुत है। ये संसद बदल देंगे, पाकिस्तान को पल भर में उठा लाएंगे। अरे अपने घर का पर्दा तो शायद बदल नहीं पाता 12 साल। इख्तलाफ की शायरी मत करिए, एक शाहकार दी का तसव्वुर ही बहुत।
सरमाए यकीन का तसव्वुर ही बहुत है। उस पाक सर जमी पे कदम रख नहीं सकता, उस पाक सर जमी का तसव्वुर ही बहुत है। मेराज की तफसीर है ये, अर्श पे रब से मिला है कोई, चांद पे जाने से साबित ये हुआ चांद के आगे गया है। शायरी सुनिए, बेझिझक पहुंचे परमला पहुंचे। यूं ही नहीं आपकी अजान पूरी दुनिया में गूंजती है, ये तो लाउड स्पीकर जुमा 3 दिन पहले आए हैं। मक्का शरीफ के उस सहरा से जब अजान दुनिया में गई है तब कहा लाउड स्पीकर भूल जाइए उसको। जब पहुंचे परमला पहुंचे, नूर तक नूर आशना पहुंचे, और चांद को संगे नीर ठहरा कर अर्शे आजम पे मुस्तफा, एक कथा पढ़ रहा हूँ समझ में आएगा तो अल्लाह शाहिद है। वो हवाएं जो यहाँ से जाती थी पूरब की ओर सरकारे दो आलम को हमारे मुअत्तर करती थी, एक कथा सुनिए। और मेरा दावा है कि किसी ब्राह्मण या दुनिया में आज तक किसी के मुंह से नहीं सुना होगा ये कि अव्वल नहीं रहा कोई आखिर, अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं, कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। और हसबे जरूरत छोटी सी बहर में सरकारे दो आलम का नाम बिना लकब के कहना पड़ रहा है कि अव्वल नहीं रहा कोई आखिर नहीं रहा, मेरे नबी के बाद नबी फिर नहीं रहा। और जब मुस्तफा ने संग शिकम से लगा लिया कोई भी बुत परस्त अब काफिर नहीं, ने संग शिकम से लगा लिया कोई भी बुत परस्त। हमारी बेटियां बैठी हुई हैं, इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आ रही, सरकारे दो आलम ने खुद तस्लीम किया है कि उनका वंश रिवायत बेटी से ही आगे चले। ये तो 3 दिन पहले लोग बेटी बचाने की बात कर रहे हैं, 1400 साल पहले सरकार ने हमारे कहा कि इबादत अर्चना पूजा बड़ी मन्नत से आती है, बड़ी शफकत सदाकत साधना रहमत से आती है। कभी माँ बाप की झोली में हो जब नूर की बारिश, खुदा के फजल से घर बेटियां जन्नत। सोने की शायरी सुनिए आप, खजा के दश्त में वादे भारी। ये मेरी बेटी पहला शेर इसने मेरे सामने पढ़ा, पहला मुशायरा इसने मेरे सामने पढ़ा है। वो मेरा पोता बैठा हुआ है, इसका हस्बैंड जो है मेरा दामाद है, ये मेरी बेटी है, ये सब मेरी बच्चियां हैं, एक से एक ये सबको नूरी। सोचिए ये नारी शक्ति है, सुनिए आप कि खजा के, किसी को देख के मैंने शेर पढ़ा था कि खजा के दश्त में वादे बहारी, खजा के दश्त में वादे बहारी लगती है, जमीन खत्ते पुरू सारी लगती है। वो जहाँ नमाज पे होती है जब भी महवे कलाम, परी बहिष्ट की बेटी हमारी, दुपट्टे को खजा के दश्त में बादे बहारी लगती है, जमीन खत्ते पुरनूर सारी लगती है, वो जहाँ नमाज पे होती है जब भी महवे कलाम, परी बहिष्ट की बेटी हमारी। खास तौर से इनमें से किसी भी बच्चे को हम ये अपनी बेटी को दे रहे हैं कि दुपट्टे को नहीं, इनके लिए तो एक शेर इनके लिए कि सखावतों में भी उनकी अजब सलीका है, वो खुद ही शर्त लगाते हैं हार जाते हैं। टीवी पर मेरा 1 घंटे का इंटरव्यू आया था, मेरा ख्याल 1500 से ज्यादा ही मुशायरे दुनिया में पढ़े हैं, अमेरिका दुनिया के 38 देशों में मुशायरा हमने पढ़ा है।
एक मतलब एक शेर आपकी नजर करता हूँ, यही हमारे तस्लीम भाई से लेके आलम साहब से लेके साहब भाई से लेके असलम साहब से लेके हर शख्स का उसमें तारुफ है कि हसद नफरत का ये मौसम, ये सबके लिए शेर है कि हसद नफरत का ये मौसम नहीं, मसरत हर तरफ है हम और यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं। अगर सचमुच शेर सुनना है, मेरी माँ छान ले सारा और 15 माधुरी दीक्षित तो 20 बाला से ज्यादा हो, 96 साल की माँ है, बाहयात है, मेरी उम्र 68 साल है और मैं आपको कुछ शेर ऐसे सुनाऊंगा भाई जान, वक्त है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अगर देखिए पूरा है जब काना दज्जाल का डर से निकल जाए, मन से डर निकल जाए, दुनिया में कोई डर जब माइक का डर निकल गया तो क्या तकलीफ है। सुनिए माँ मेरी 96 साल की, मेरी असली उम्र 68 साल, शेर सुनिए आप, अगर न रोए तो मेरा शेर कहना बेकार है और मेरी सारी मेहनत बेकार है। सुनिए, मुझे कमकल कहती है, मुझे कमकल कहती है बहुत कच्चा सच, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा सच, और खुदा के फज्ल से नाती नासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा सच। अल्लाह शाहिद है अपनी जिंदगी में आज तक मेरे लिए कुफ्र है ये कहना, इस मोहल्ले से दाद दे दो, वहां से दाद दे दो, हाथ उठा के दाद दे दो, अरे अच्छे शेर पढ़िए अपने आप दाद मिलेगी। हम सिर्फ, हमको इससे ज्यादा अकल ही नहीं है, मेरा अल्लाह मेरे सरकार दो आलम, मेरी माँ उसका कुंबा, मंजर कशी और मोहब्बत, इसके अलावा सारी दुनिया मुझको कोई दे दे, मैं पाकिस्तान को क्यों गाली दूंगा, मेरा मुल्क अपने आप में ना आया। सुनिए आप शेर कि मुझे कमकल कहती है बहुत कच्चा समझती, मगर वो हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती, खुदा के फजल से नाती नासों से भरा है, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे जरा सरदर्द हो जाए तो माँ छट सच नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है, और मैं 68 साल का बुढ़ा कभी जब गाँव जाता हूँ अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल, शेर वो सुना रहा हूँ जिस मुरारी बापू की आंखें न लगी, मेरी हर सांस हर धड़कन को मेरे इल्मो हुनर को आज माने सवारा है। भाई जान शेर सुनिए बेटे, भाई जान मैं शेर सुनिए कि कमाकर इतने सिक्के भी तुम आपको दे नहीं पाया, कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका, अरे दिया जलने से पहले शाम को घर लौटा की भीड़ में, ये मेरा पेशा, लेकिन आप जैसे बाविकार लोग जब आके बैठते हैं, हमारे घर में बिहार में है गोरखपुर, अगर आपने तिवारी जी का नाम सुना होगा, शायद मेरा जुनून है, तो आपके बीच में मैं वो गांव की मिट्टी की बात कर रहा हूँ, दिया जलने से पहले शाम को, भाई जान मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ में ये तो तस्लीम भाई की मोहब्बत और दानिश साहब हुक्म है इनका, और सच बताएं एक बड़ा लाला हाफिज़ साहब और ताहिर अशरफी साहब थे, बहुत पुराने मेरे दोस्त हैं। शेर सुनिए कि दिया जलने से पहले शाम को घर, बूढ़ी माँ है 96 साल की, मुझे घर देख कर आंखों में माँ की दीप चलते हैं, जन्नत क्या है मुझसे आप सुन, 60-65 साल की उम्र से बड़ा कोई शख्स हो भाई जान, 90-95 साल की माँ हो, माँ बेटे गले मिल रहे हों, ये नज़ारा ये मंजर अपनी आँख में कैद कर लीजिए, जन्नत में भी इससे बढ़िया मंजर नहीं देखने को, कि करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना, ज़ईफ़ी में मेरी माँ का मेरे सीने से, और मेरे चेहरे पे लिखी हर इबारत को समझती है,
पढ़ नहीं पाती, मैं पढ़ी लिखी समझती वो मेरे चेहरे पर लिखी हर इबारत को समझती है, मगर माने कभी स्कूल का मंतक नहीं। करिश्मा है कि जिस बेटे के घर माँ रहने लगती है वह बरकत से उस घर की कमाई बनती है। वो जो माएँ बैठी हुई हैं न जाने, या वो या मेरी बेटी इसका बच्चा यही खेल रहा है कि न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। जब तक पेट भर कर तो खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी माँ के नहीं। मैं खास तौर पे आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं गांव गया था, मेरी माँ 96 साल की, गांव का घर बहुत बड़ा है, बैठक और एक हाथ में सुनिए रो पड़े गया, एक हाथ में हलवा और दूसरे हाथ में दूध लेके कुबरी यहाँ टांग के माँ वहाँ से चली। बचपन में मुझे खेला ना जाने क्या सोचती, उसके पीछे 3 नौकरानियाँ हिल रही हैं और हम 10 दोस्तों के साथ बैठे हुए इस डर के मारे उस तरफ नहीं देख रहे हैं कि माँ अब गिरी कि तब गिरी, गिरी और इसके कूल्हे गए। 10-12-15 गज माँ दूर रही होगी, अल्लाह का एहसान है बहुत स्वस्थ शरीर है मेरा, सेहतमंद हूँ, मैं चीते की तरह झपटा और इससे पहले कि माँ समझ पाती मैंने एक हाथ से हलवा पकड़ा, एक हाथ से ग्लास और उसको ऐसे बाहों में पकड़ के घुस गया, माँ बच गई। लेकिन शेर उर्दू जबान की इस शीरी जबान की चाशनी और हसास जहन की उपज का यह शेर सारी जिंदगी याद रखे, उतनी दूर से माँ आ गई। शेर मेरा बन गया उबैद भाई, खासतौर से आपकी नजर है कि ज़ईफ जिस्म के कांधे पे कायनात दिए, और कायनात कैसे, मेरी माँ, 4 भाई 4 बहन, सबके पास 4-4, 5-5 बच्चे, बेटियाँ, नाती, पोते, बहुएं, बहनोई, दामाद मिला के हम 296 लोग एक छत के नीचे रहते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवार है। अब आप सुनिए कि ज़ईफ जिस्म के कांधे पे कायनात लिए, देख कदमों तले जन्नत लिए। ये मानो एक शेर आपको खास तौर पे इसलिए सुनाना चाहता हूँ, अगर आपको पता हो वहाँ तक गया कुत्ता, बहुत जरूरी है ये जो झूठ फूट की बातें सियासतदान कहते हैं ना, उससे जिद करके गजल सुन लीजिएगा, सारा मामला निपट जाएगा। बिल्कुल हकीकत जानिए, ये जितने हमारे तरह सर के ऊपर टोपी नायाब लोग बैठे हैं, 24 घंटे की नमाज में 5 लोगों की नमाज और तहजुद की या असद की 2-4 शुक्राने की 2-4 रकात ज़्यादा पढ़नी है, तो 103 बार कम से कम ये सर इस जमीन पे लगता है, ये जमीन। वाह वाह, यानी 24 घंटे में 100 बार, एक महीने में 3000 बार, साल भर में 40,000 बार, 80 साल जिंदगी में 50,00,000 बार इस सर जमीन पे अपनी जबी रखने वाला मुसलमान और गद्दार कोई नहीं सकता। कौन ऐसा बोल सकता है, किसको सनद की जरूरत पड़ रही है, आप लोग तो अकेले ही काफी हो मेरे भाई। आइए वो शेर सुनाता हूँ, बशर की छोड़िए दावा और दलील का करिश्मा, बशर की छोड़िए सरकारे दो आलम ने, किसने परखा है कोई दलील की और जरूरत है, उनके बाद बशर की छोड़िए सरकारे दो आलम ने परखा है, दवा से कुछ न हो माँ की दुआ तब का। बहुत बहुत शुक्रिया, एक गजल इसलिए आपको सुना, इनको भाई साहब सुने एक गजल आपके लिए, एक एक शेर आपका है, मालवनी में इसलिए सुना रहा हूँ कि बड़े बेदार लोग आते, और सच्चा शेर सुनिए, अगर यहाँ कोई सियासतदान भी बैठा है
کوئی اخبار نبیس بھی بیٹھا اس میں بالکل معافی وافی نہیں مانگ رہا ہوں کیونکہ میں سچ بول رہا ہوں اور آپ کی زبان میں اجازت ہے اور یاروں سے بچ کے سنیے عجب نہیں کہ میرے یار جھوٹ عجب نہیں کہ میرے یار جھوٹ بولتے ہیں غضب تو یہ ہے لگاتا مزہ لیجیے سچ بول رہا ہوں بڑی سنجیدہ بات عجب نہیں کہ میرے یار جھوٹ بولتے ہیں غضب تو یہ ہے لگاتار جھوٹ بولتے ہیں یہی نہیں کہ ریاکار جھوٹ بولتے ہیں یہی نہیں کہ ریاکار جھوٹ بولتے ہیں ستم تو یہ ہے کہ فنکار جھوٹ بولتے ہیں ستم تو یہ ہے کہ فنکار جھوٹ بولتے ہیں ہمت اس شعر سنیے کہ سیاسی روگ کے بیمار جھوٹ بولتے ہیں سیاسی روگ کے بیمار جھوٹ بولتے ہیں ہماری قوم کے سردار ہمت ہے تو اس پہ تالی بجائیے ہماری قوم کے سردار جھوٹ بولتے ہیں اور ادب نے بڑھ کے منہ دبا لیا ورنہ ادب نے بڑھ کے میرا منہ دبا لیا ورنہ میں کہنے والا تھا سرکار جھوٹ بول رہی ادب نے بڑھ کے میرا منہ دبا لیا ورنہ میں کہنے والا تھا سرکار جھوٹ بول رہی سعودی گیا تھا ایک بچہ آیا بہار کا ہی تھا رضوان نام تھا رات کے وقت ہمارے ساتھ اللہ آپ کو اور آپ کے پریوار والوں کو لمبی حیات دے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا سویرے ہوٹل میں ملنے آیا پتہ چلا امی ہو میں نے کہا بیٹے پیسے ویسے کیوں اللہ نے مجھے دیے تجھے دے بولے نہیں سر وہ پاسپورٹ جو ہے وہ کفیل کے پاس ہے وہ ریگستان میں چلا گیا چار دن بعد سب کچھ ہوتے ہوئے بچہ یہاں نہیں آتا میرا شیر بن گیا صاحب سے کہ ادب نے بڑھ کے میرا منہ دبا لیا ورنہ میں کہنے والا تھا سرکار جھوٹ بولتے ہیں اور کسی غریب نے رو رو کے یہ کہا مجھ سے کسی غریب نے رو رو کے یہ کہا مجھ سے عرب کے درہم و دینار جھوٹ بولتے ہیں میں اپنے حال کا نقشہ یہ بات یہ شعر آپ کا ہے کہ میں اپنے حال کا نقشہ غزل میں رکھتا ہوں میں اپنے حال کا نقشہ بھی کہو میرے اشعار جھوٹ بولتے میں بامبے ہاسپٹل سے گزر رہا تھا ایک آستانہ وہاں بہت سارے ہزاروں بلب جل رہے تھے ایک بھائی صاحب ابھی نہیں اتنا بالکل نہیں میں بڑی مشکل سے کسی کے ہاتھ میں یہ سند رکھیں دیا ہے اس سے بڑا کفر نہیں ہے کسی شاعر کو سنے اور شاعر میں نے اسی لیے لتا حیا کو ریکارڈنگ میں کہہ رہا ہوں پوچھے یہ تھے وہاں پہ میں نے ان کو کنڈلہ میں کہا تھا یہ ادبی ٹیکسی ہوگی یہ تہذیب ہے ہماری ارے عام زبان کے لوگ نہیں ہیں آپ صاحب اپنے محبوب کی خاطر خدا کو تھا منظور اکبر الہ آبادی کا شعر ہے ورنہ قرآن بھی اترتا بزبان اردو یہ اردو کی محفل ہے یہ کون سی بے ادبی ہے کہ آپ دوسرے کا اپنا شعر پڑھ کے بھاگے جا رہے ہیں ہر ایک لفظ سے کان گیا یہ کون ہے کہ جو اردو زبان بول گیا ارے جب بھی شعر سنیے کہ جب بھی اعلیٰ کمان بولے گا فرش پر آسمان بولے گا اس کی آنکھوں میں پیار ابھرا ہے اب وہ اردو زبان اور سنیے بیٹے شعر سنیے محبت چھوڑیے تکرار میں بھی لطف آتا ہے اگر تکرار بھی اردو زبان میں ہو کر ہی نہیں سکتا میں وہ اس کے آخری دو شعر سنا دوں اس غزل کا کہ عجب نہیں کہ میرے یار جھوٹ بولتے ہیں غضب تو یہ ہے لگاتار جھوٹ بولتے ہیں اس میں ایک شعر یہ ہوا ہے کہ ہماری پیٹھ کے پیچھے بھی سچ نہیں کہتے ہمارے منہ پہ دھواں دھار جھوٹ